मस्त सी बुबुल आ गई है, देखिए हो गया है अच्छा सा, सूख गया एकदम ताज़ा ताज़ा। चाय बनाओ उसके साथ फ्राई करके खाओ। आज बनाएंगे हम लोग आलू की चिप्स। थोड़ी देर में ठंडी जाने वाली है, बड़े बड़े आलू आने लगी है, इसलिए थोड़ा सा बना लेते हैं कभी के लिए। रगड़ रगड़ इसको धो लेती हूँ, फिर चिप्स काटूंगी मैं। बस धो करके अब छील लेती हूँ अच्छा से, फिर बनाऊंगी चिप्स काटूंगी। पहले छील लूँ तब बता दिखाऊंगी आपको। देखिए छील ली हूँ, आप चिप्स काटती हूँ। इतनी अच्छी से गोल गोल चिप्स बनाना है, काट लेना है इससे। सावधानी से थोड़ा सा, क्योंकि हाथ का कटने का डर होता है। सुंदर सुंदर कट गई है, अब इसको उबालूंगी अच्छा से। धो लेती हूँ दोबारा, काटने के बाद भी धो लेना आप लोग भी, या मैं भी धो रही हूँ। एक चम्मच हल्दी डालूंगी, अच्छा सा कलर आएगा पीला पीला। एक चम्मच नमक डालूंगी, अच्छा लगेगा देखना ना। इसमें ही अब ये डालूंगी कटा हुआ आलू चिप्स। इसको 5 मिनट उबालूंगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा मत डालना, नहीं तो ना चिपक जाएंगे आपस में। कलर पीला पीला अच्छा लगेगा फ्राई के बाद। ये देखिए अब हो गया है चिप्स। छत पे चलिए सुखाने, अच्छा सा आराम आराम से निकालना, नहीं तो टूट जाएगी। छत पे जा करके अब सुखाएंगे। क्या डाल दी हूँ अब एक एक करके। धूप जहाँ तेज हो ना वहां पे सुखाना। छत पे आई हूँ, सांस फूल रहा है इसलिए। धूप है, आजकल धूप निकलने लगी है, नया नया आलू है, मोटे मोटे बाजार में आलू भी आ रहा है, तो आप बनाओ और खाओ और 6 महीने के लिए स्टोर करके रख लो। बाजार से केमिकल वाला खाते हो, क्या फायदा है, घर में बनाओ घर का खाओ। उबालते ही जल्दी जल्दी से डालना, लेट मत करना, अगर लेट करोगे तो आपस में चिपक जाएगा। ये गरम गरम में छूट जाती है, चिकना नहीं होता, चिपकने के बाद इतना होता है, सारी टूट जाएगी। तुरंत सुखाना, छान वो उबालते जाना, सुखाते जाना जल्दी जल्दी दो जने मिलके। ये देखिए सारे सूख गए हैं, अपने आप छूट गया, ये छुड़ाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, हवा लगता है ना तो अपने आप सूख गया ये सारा। ये एक भी नहीं छुड़ाई हमने, सब अपने आप छूट गए। अब ये थोड़ा सा और, आज तो थोड़ा सा रह गया है, दीदी कोई कोई सा ऐसा है, नहीं तो सारे सूख गया, कल पूरा सूख जाएगा। ये भी मस्त सूख गई है, 2 दिन लगा सुखाने में। मस्त सी बुबुल आ गई है, देखिए हो गया है अच्छा सा, सूख गया एकदम ताज़ा ताज़ा। चाय बनाओ उसके साथ फ्राई करके खाओ। ये देखिए अच्छा सा हो गया, आप लोग 6 महीने साल भर तक इसको रख सकते हो, खा सकते हो।